हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इमली की चटाकेदार खट्टी मीठी चटनी हलवाई स्टाइल में। होली भी आने वाली तो पहले से इसे बनाकर रखें। भल्ला पापड़ी चाट समोसा टिक्की के साथ इसे खाएं। एक बार इसे ऐसे बनाएं और महीनों तक खाएं। सुपर टेस्टी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया 2 कप इमली, 1.5 कप खजूर, ये दोनों डीसीडेड हैं। दोनों को अलग अलग तेज गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दें। इमली को मैंने आधा लीटर पानी में भिगोया था। 2 घंटे बाद इमली सॉफ्ट हो गई है और ये खजूर भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे मिक्सी में ना हम इसे पीस लेंगे थोड़ा पानी डालकर। इमली को हाथों से मसल मसल कर छन्नी से छान लें। देखो रेशे पल्प से अलग हो गए। हलवाई भी इसी तरह से चटनी बनाते हैं, तभी तो सबको इतनी पसंद आती है। हलवाई डालते हैं इसमें एक सीक्रेट मसाला, हम भी वही तैयार कर लेते हैं। सौंफ, अजवाइन, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, सौंठ पाउडर, काला नमक, सादा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। गैस ऑन कर लें। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लें। इसे गर्म कर लेंगे। हींग आधी छोटी चम्मच, किशमिश 15, काजू 10। इन्हें फ्राई कर लें। अब इमली का पल्प डाल दें। गुड़ 2 कप डालें। पिसी हुई खजूर डाल दें। अब जो हमने मसाला बनाया था ना वो डाल दें। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब 1/2 घंटे के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ठंडा होने के बाद ये चटनी गाढ़ी हो जाती है। चम्मच पर जब ये चटनी कोट होने लगे तो समझ लें चटनी बनके तैयार है। आप इस चटनी को 6 महीने तक फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। बाहर भी रखेंगे तो खराब नहीं होगी 2 महीने तक। तैयार है खट्टी मीठी इमली की चटनी। पूड़ी परांठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सोनू की रसोई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।